दोस्तों आज मैं 2012 में आई कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी चेंड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम टिम होता है, वो एक बॉक्स में कुछ कर रहा होता है। उस बॉक्स में बहुत सारे आईडी कार्ड्स रखे होते हैं। वो एक आईडी कार्ड उठाता है, पर तभी डोरबेल बजती है। टिम अपने मन में 10 तक गिनती करता है और वो गिनती पूरी होने से पहले दरवाजा खोल देता है। दरवाजे पर एक आदमी होता है। वो आदमी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ के अंदर लाता है और कमरे में ले जाता है। टिम डर के कारण एक टेबल के नीचे छुप जाता है और उसके हाथ में जो आईडी कार्ड होता है उसे देखकर रोने लगता है। अंदर रूम से उस लड़की के चीखने की आवाज आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में कहानी आती है 2 महीने पहले, जहाँ टिम अपने माता पिता ब्रैड और सारा के साथ मूवी देखने थिएटर जा रहा होता है। ब्रैड की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती। टिम एक डॉग चाहिए होता है, पर वो भी ब्रैड नहीं रख सकता था। ब्रैड उन दोनों को थिएटर के बाहर छोड़ता है और सारा को वापस टैक्सी से आने बोलता है और टैक्सी के पैसे देता है, जबकि उसके पास ही बहुत कम पैसे होते हैं। मूवी देखने के बाद सारा और टिम एक टैक्सी से घर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते से जाने लगता है। सारा उसे बोलती भी है कि ये गलत रास्ता है, पर वो ड्राइवर उनकी एक नहीं सुनता। इससे सारा और टिम दोनों डर जाते हैं। सारा मदद के लिए चिल्लाने लगती है और डोर्स खोलने की भी ट्राई करती है, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो ड्राइवर टैक्सी शहर से बाहर एक घर के बाहर आकर रोकता है, जहां आसपास कोई नहीं होता। फिर वो ड्राइवर टैक्सी से बाहर उतरता है और सारा को मारने लगता है। वो टिम को टैक्सी में लॉक करके सारा को जबरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाता है। टिम बस 9 साल का होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब था कि उस ड्राइवर ने सारा को मार दिया। इस ड्राइवर का नाम बॉब होता है। ये एक सीरियल किलर होता है, जो ऐसे ही अपने फीमेल पैसेंजर्स को किडनैप करता था और उनका रेप करके उन्हें मार के अपने सीक्रेट बेसमेंट में दफना देता था। सारा को मारने के बाद बॉब टिम को घर में एक छोटे बेड पर बिठा देता है। टिम बॉब से लड़ने की कोशिश करता है। टिम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, पर बॉब उसे आसानी से काबू में कर लेता है। टिम रोते रोते अपनी मॉम के बारे में पूछता है, तो बॉब उसे ये बोल के चला जाता है कि तुम्हारी मॉम अब वापस नहीं आएगी और तुम्हें अब यहीं रहना होगा। अगली सुबह बॉब टिम को बोलता है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो रोज तुम पूरे घर की सफाई करोगे, सुबह नाश्ता बनाना होगा, तुम बिना परमिशन के कुछ खा भी नहीं सकते, बस मेरी प्लेट का बचा हुआ खाओगे, और जब भी मैं घर आऊं तो 10 सेकंड के अंदर दरवाजा खोलना होगा। और हर रात टिम को एक न्यूज़पेपर मिलेगा, जिसमें से उसे मिसिंग रिपोर्ट्स निकाल के एक बुक में लगाने होंगे, और अगर कभी तुमने यहाँ से भागने की या कुछ चुराने की कोशिश की तो मारे जाओगे। फिर बॉब टिम का नया नाम रैबिट रखता है। दूसरे दिन टिम को न्यूज़पेपर में उसकी और उसके मॉम की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। बॉब उसे वो रिपोर्ट भी बुक में लगाने को कहता है। उसी दिन टिम ऊपर वाली विंडो से भागने की कोशिश करता है, पर बॉब उसे देख लेता है और पत्थर मार के उसे नीचे गिरा देता है। इस गलती की वजह से टिम की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बॉब टिम को एक लंबी चेन से बांध देता है ताकि वो पूरे घर में घूम सके, पर घर से भाग ना पाए। बॉब ने हर जगह कैमराज भी लगाए होते हैं ताकि टिम पे नजर रख सके, और ये बात टिम को नहीं पता होती। फिर उसी शाम बॉब एक और लड़की का मर्डर करता है। टिम वो सब ब्लड फ्लोर से साफ करता है, और रात में टिम बॉब के पैरों में बैठकर टीवी देखता है। अब यही टिम का डेली रूटीन बन चुका था। बॉब कभी कभी टिम के काम से खुश होकर उसे चॉकलेट्स भी दे दिया करता था। देखते ही देखते 9 साल निकल जाते हैं और टिम अब 18 साल का हो गया होता है, पर तब भी उसकी हालत कुछ बदली हुई नहीं होती। वो अब भी बॉब के सारे काम करता और उसके पैरों में बैठ के टीवी देखता। फिर हम बॉब को देखते हैं जो एक ओल्ड आदमी और उसके बेटे को कहीं ले जा रहा होता है। उन दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वो लड़का अपने डैड को सॉरी बोल रहा होता है, पर उसके डैड उससे किसी वजह से नाराज होते हैं। ज्यादा बोलने पर उस लड़के को एक थप्पड़ भी खाना पड़ता है। ये सब देखकर बॉब को अपने बचपन की बुरी यादें आने लगती हैं, जब उसके डैड भी उसे टॉर्चर किया करते थे। इस बात से बॉब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उन्हें ड्रॉप करके सीधा घर आता है। अब बॉब को लगने लगता है कि टिम को भी कुछ सीखना चाहिए, ताकि वो घर से बाहर निकलकर बॉब का मर्डर वाला घिनौना काम आगे बढ़ा सके। वो टिम को ह्यूमन बॉडी की बुक्स लाकर देता है, पर टिम वो पढ़ने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था। तो बॉब उसे बोलता है कि अगर टिम पढ़ा और जॉब लेने के लायक बना तो वो उसे बाहर जाने की फ्रीडम
फ्रीडम दे देगा। और बॉब टिम को उसके डैड की फोटो दिखाता है जिसमें उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है और वो अपने न्यू फैमिली के साथ बहुत खुश होती है। उसके डैड टिम और सारा को पूरी तरह भूल चुके थे और अब टिम का बॉब के अलावा कोई भी नहीं था। ये सुनकर टिम को लगता है कि वैसे भी वो 9 साल से एक घर में कैद है और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और बुक्स एक अच्छा ऑप्शन है नई चीजें जानने का, तो वो पढ़ना शुरू कर देता है। टिम मेडिकल की बुक्स पढ़ रहा होता है। रोज रात को बॉब टिम को बुक से क्वेश्चन पूछता था और टिम को उसका जवाब देना पड़ता और वो बहुत जल्दी सीख भी रहा होता है। एक दिन फिर से बॉब एक लेडी को पकड़ के घर लाता है, पर ये लेडी किसी तरह बॉब से भागकर टिम के पास मदद के लिए आती है, पर टिम कुछ नहीं करता और बॉब पीछे से आके उस लेडी को मार देता है। अगली सुबह टिम बॉब को टांके लगाता है और उसी रात टिम को बॉब के कमरे से कुछ आवाज आ रही होती है। टिम जाकर देखता है तो बॉब नींद में रो रहा होता है। असल में बॉब अपने बचपन का बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें वो और उसका छोटा भाई अपने घर पहुंचते हैं और उसके डैड उसको मारने लगते हैं क्योंकि उसने कुछ गलती कर दी होती है। फिर बॉब के डैड उसे अपनी मॉम के साथ फिजिकल होने के लिए बोलते हैं और डर की वजह से बॉब को ये करना भी पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद से ही बॉब साइको बन चुका था। वो अपने डैड को भी मार देता है और दूसरे लोगों को दर्द देना उसे पसंद आने लगता है। असल में यहाँ टिम को एक विक्टिम के कपड़ों से चाकू मिला था जिसे लेकर वो बॉब को मारने वाला था, पर बॉब की यह हालत देखकर टिम उसे छोड़ देता है। अगली शाम को बॉब एक बार डांसर को अपने घर ले आता है ताकि टिम उसके साथ सेक्स कर सके, पर वो बार डांसर मैरी काफी नशे में होती है और उसे टॉयलेट जाना होता है। बॉब टिम को उसे टॉयलेट ले जाने का बोलता है। मैरी टॉयलेट में बस हंसती रहती है तो बॉब पीछे से आकर उसका गला काट देता है और टिम उसके बॉडी को बेसमेंट में दफना देता है। फिर बॉब टिम को स्कूल ईयर बुक दिखाता है और अपने लिए एक लड़की चूज करने बोलता है। टिम को पता होता है कि अगर उसने किसी को चूज किया तो बॉब उसे पकड़ के लाएगा और बाद में मार देगा, तो टिम मना कर देता है तो बॉब उसे मारने लगता है। पर थोड़ी देर बाद उसे टिम पे दया आ जाती है, वो टिम की चेन्स भी खोल देता है और हम देखते हैं कि उन चेन्स में लॉक था ही नहीं, पर टिम ने डर से वो चेन्स खोलने की कोशिश ही नहीं की। अब टिम घर में फ्री था और बॉब को भी उस पर ट्रस्ट था। फिर हम देखते हैं कि बॉब की रिकॉर्ड वाली बुक भर गई पर आज तक उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। अगले दिन बॉब नाश्ता करते हुए टिम को जबरदस्ती एक लड़की चूज करने को बोलता है और टिम को ये करना पड़ता है। फिर बॉब उस लड़की को पकड़ने जाता है और शाम तक उसे पकड़ के ले भी आता है और टिम के रूम में बंद कर देता है। उस लड़की का नाम एंजी होता है। बॉब टिम को एंजी के साथ सेक्स करके फिर उसे मारने का बोलकर वहाँ से चला जाता है, पर टिम कोई मर्डर नहीं करने वाला था इसलिए वो एंजी के सामने बैठ जाता है। वो दोनों बात करते हैं और एंजी समझ जाती है कि टिम भी बहुत सालों से यहाँ कैद है। एंजी टिम को समझाने का ट्राई करती है कि वो दोनों वहाँ से भाग सकते हैं, पर टिम उसे मना कर देता है कि आज तक यहाँ से कोई भाग नहीं पाया। फिर एंजी टिम को सेड्यूस करने का ट्राई करती है ताकि उसके जान बच जाए। तभी अचानक बॉब वहाँ पर आ जाता है तो मजबूरी में टिम एंजी को स्टैब कर देता है और उसकी बॉडी बेसमेंट में ले जाता है। इसके बाद टिम बॉब के पास आता है और बोलता है कि वो अब खुद अगले विक्टिम को पकड़ेगा। ये सुनकर बॉब बहुत खुश होता है क्योंकि बॉब तो कब से इस दिन का वेट कर रहा था। अगले दिन बॉब टिम को नए कपड़े देता है और उसके लिए एक चेयर भी लाता है ताकि वो दोनों साथ में बैठकर टीवी देख सकें, क्योंकि आज तक टिम बॉब के पैरों में बैठता था। फिर वो दोनों अगले विक्टिम की तलाश में निकल पड़ते हैं। इतने सालों बाद टिम उस टैक्सी में बैठता है तो उसे वही दिन याद आता है जब बॉब ने उसकी मॉम को मारा था। बॉब टिम को पूरे शहर में घुमा रहा था ताकि टिम कोई विक्टिम चूज करे, पर टिम सभी को रिजेक्ट कर रहा था। तभी बॉब एक जगह पर गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये सब टिम की एक चाल थी। उसने गाड़ी पर हेल्प लिखा हुआ था और उसने एनजी को भी नहीं मारा था। टिम ने उसे ऐसे स्टैप किया था कि उसके कोई ऑर्गन्स डैमेज ना हो और वो 2-3 दिन बच जाए, और टिम आज हेल्प लेकर जाने वाला था। बॉब जल्दी से घर पहुंचता है और टिम को गैरेज में लॉक करके बेसमेंट में एनजी को मारने जाता है। वहाँ एनजी भी रेडी होती है। जैसे ही बॉब वहाँ आता है एनजी उसके पैर पे नाइफ से कट मार देती है। इतने में टिम भी वहाँ पहुँच जाता है और आज वो बॉब से फाइट करता है। बॉब को लगता है कि टिम उसे नहीं मारेगा क्योंकि वो उसके डैड जैसा है, पर टिम उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। इस तरह टिम पर सालों का टॉर्चर खत्म होता है और एनजी भी जिंदा बच जाती है। अब टिम आजाद था। वो अपने डैड ब्रैड का न्यू एड्रेस ढूंढता है और उनसे मिलने जाता है। इधर ब्रैड ने दूसरी शादी कर ली होती है और एक लग्जरियस लाइफ जी रहा होता है। काफी देर बाद ब्रैड टिम
टिम को पहचानता है और गले लगता है। फिर टिम ब्रैड को एक लेटर दिखाता है जो उसे बॉब के पास मिला था। उस लेटर में टिम और सारा को मारने का प्लान और पैसे थे। असल में ब्रैड बॉब का छोटा भाई था और ब्रैड ने अपने पैसों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए बॉब को सारा और टिम को मारने के लिए कहा था और उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। ये सब सुनकर ब्रैड की नई वाइफ भी उससे डरने लगती है तो ब्रैड उसे बुरी तरह पीटने लगता है। ये देखकर टिम को गुस्सा आता है और वो अपने डैड का मर्डर कर देता है। फिर टिम के स्टेप मॉम उसकी मदद करती है और उसे वहाँ से भागने को बोलती है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करके बताती है कि किसी ने उसके पति ब्रैड का मर्डर कर दिया। अब टिम के पास एक ही ठिकाना था, बॉब का घर, तो वो वहीं पहुंच जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम भी टैक्सी लेकर कहीं जा रहा होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि टिम भी अब एक साइको किलर बन चुका था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।